सो गाइस मेरे पास है ये अमेजोन एलेक्सा एक और डॉट फोर्थ जनरेशन, ये मुझे अमेजोन ने भेजा था रिव्यू करने के लिए। और तो चलिए बिना देरी करते हुए इससे रिव्यू करते हैं, आपको बताते हैं, सेटअप वगैरह करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब, ये वाला वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, और इस प्रोडक्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा। हमारे बॉक्स कंटेंट में है मेरा अमेजोन एको डॉट फोर्थ जनरेशन, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा है। ये इसकी यूज़र गाइड, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और इस साइड में होगा इसका प्लग जो कि 15 वॉट का होता है। तो चलिए अब इसको सेटअप करते हैं। तो गाइस आपको अलेक्सा के बॉक्स पे ये कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे कि आप कौन से इससे कंपैटिबल हो। ऑडियो आउटपुट है, ब्लूटूथ है, हैंड फ्री अलेक्सा है, माइक्रोफोन ऑन ऑफ का बटन है, कुछ तरीके से सिमिलर। बहुत ही मिनिमल सी इसकी पैकिंग आती है। अगर आप इसके एम आर पी देख पा रहे हो तो 4500 है 4499, जबकि अमेज़ॉन पे हमेशा ऑफर चलता रहता है तो ये आपको कम में ही मिल जाएगा। एलेक्सा सेटअप होने के बाद कुछ इस तरीके से रहेगा। ये इसका पावर कॉर्ड है, ये हमेशा आपको ऑन रखना पड़ेगा जब तक आपको एलेक्सा चलाना है। इसको ऑन कीजिए, ये रहा आपका एलेक्सा। और ये सेटअप जब तक होगा तब तक ये रेड रहेगा ये वाला रिंग, लेकिन जब एक बार सेटअप हो जाता है तो ये ब्लू हो जाता है। और अब हमारा एलेक्सा जो है अपने कमांड्स लेने के लिए 100% तैयार है। सो गाइस आपका एंड्रॉयड हो या iOS हो, iOS डिवाइस में आपका एलेक्सा कुछ इस तरीके से आपके अमेज़ॉन एलेक्सा का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप चीज़ों को सेट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, कमांड्स दे सकते हो। जैसे कि मेरा वाला सेटअप है, हम अपने एलेक्सा से कॉल भी कर सकते हैं। प्ले बटन में आप यहाँ पे आओगे तो ये आपकी प्लेलिस्ट खुल गई। ये हमारा डिवाइस है, जैसे कि आप देख रहे हो प्रांजोज इको डॉट, जैसे मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो ये खुल गई हमारी सेटिंग्स। अब यहाँ पे हम ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, अलार्म भी लगा सकते हैं, वाईफाई स्टेटस, ब्लूटूथ स्टेटस वगैरह हमें सब दिखा रहा है। और यहाँ से जब हम जाएंगे तो ये हमारा सेटिंग सेक्शन है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को, जैसे सेटिंग सेक्शन में जाओगे तो आप डिवाइस की सेटिंग, एलेक्सा ऐप की सेटिंग और बहुत सारी चीज़ों को आगे पीछे चेंज कर सकते हो। गाइज आप अपने अमेज़ॉन एलेक्सा डिवाइस में म्यूज़िक चलाने के लिए स्पॉटिफाई से कनेक्ट कर सकते हो। अमेज़ॉन म्यूज़िक से वो बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्ट होता ही होता है। आप एप्पल म्यूज़िक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और तो और आप शायद गाना का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइज चलिए अब हमारे अपने एलेक्सा से कुछ सवाल पूछते हैं। एलेक्सा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, टुडे इज़ द बर्थडे ऑफ मॉरिस सेंडाक, ऑथर एंड इलस्ट्रेटर ऑफ द बेलव्ड चिल्ड्रंस बुक वेयर द वाइल्ड थिंग्स आर, सो पुट ऑन योर क्राउन, pick up your staff and let the wild rumpus start. Guys, ye aapke Alexa ke controls hain. Yahan se aap awaaz badha aur kam kar sakte ho. Yahan se aap ise button daba ke instruction de sakte ho aur yahan se aap iska mic band kar sakte ho. So agar aap Alexa ka mic band kar doge to ye red ho jayega kuch is tarike se jaise ki aap dekh pa rahe ho. Ab ye mere kehne se instruction nahi lega jab tak main iska mic on nahi kar dunga. Chaliye humne iska mic on kar diya. Alexa, what is the date today? Today is Friday, June 10th. एलेक्सा यूज़ करने का सबसे मज़ेदार जो मुझे चीज़ लगती है वो ये कि जैसे मेरे मोबाइल पे अभी एक कबाली वाला गाना चल रहा है, अब मैं जैसे ही यहाँ पे टैप करूँगा मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि मुझे कहाँ चलाना है, आईफोन पे, टाटा स्काई बेंच पे, या फिर मेरे अमेज़ॉन एको डॉट पे। तो यहाँ से एक टैप पे डायरेक्ट यहाँ से चलता हुआ गाना वहाँ पहुँच जाता है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंट्रीगिंग। सो गाइज ये तो हो गई अमेज़ॉन एलेक्सा का एक छोटा सा रिव्यू। हालांकि मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये कि आप अमेज़ॉन एलेक्सा से बोल के अलार्म लगा सकते हो, रिमाइंडर्स लगा सकते हो, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इस पे कॉल भी रिसीव कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा फीचर है इसमें। कुछ नेगेटिव्स हैं जो बहुत लोग नहीं बताते, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये कि इसको हमेशा ना एक्चुअली, जैसे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अगर आप कहीं ऐसी जगह रख रहे हो जहाँ पे आपके रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है या गर्म हो जाता है, आपका फ़ोन भी या कुछ भी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे चलते चलते गर्म हो जाए, तो ये थोड़ा सा कमांड लेने में और रिटर्न करने में थोड़ा सा ये वक्त लगा जाता है। तो इसको आपको एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना है ताकि नॉर्मल यूज़ हो। वाईफाई कनेक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी है,
आपको न्यूज़ भी बताएगा, ये आपको आर्टिकल भी बताएगा, को दिन का हाल भी बताएगा, मौसम भी बताएगा, लोकेशन भी बताएगा, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं इसमें। और डायरेक्टली आप अपने अमेजोन की जो ऐप है उसमें आप शॉपिंग लिस्ट ऐड कर सकते हो इसके थ्रू, तो वो भी बहुत अच्छा ऐप है। तो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड डिवाइस। अगर आपको स्पीकर प्लस एक स्मार्ट होम डिवाइस चाहिए तो आप डेफिनेटली अमेजोन एलेक्सा को ऑर्डर कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप कि आपने वाला वीडियो यहाँ तक देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो कर दो लाइक, मेरे चैनल पर नया चैनल कर दो सब्सक्राइब। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक्स वॉचिंग।